मम्मी प्रेतात्मा का नाम आमिर है। मैंने सुना है नाम से बुलाने पे ना वो जल्दी आती है। कहते का नाम तो कोई भी जल्दी आएगा। मेरे पापा इसे निर्मला बोलते हुए फटक से आती हूँ कि नहीं। अरे वही नहीं। ये बात कह रहा है कि प्रेतात्मा प्रेतात्मा नाम से बुलाने पर वो जल्दी आते हैं। तो मैं क्या अलग बोली? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट देखो। चुप कर। बापर साहब आप ही हैं जहर सुने एक तो एक। हाँ सर। अब बुला करो। आमिर सामने आओ। टेबल इन्हें लगाओ। आओ आई बिसीच यू आई कमांड यू। आप हो अंग्रेजी नहीं आती हो तो किसके अंदर आओ? ब्रिक की मम्मी के अंदर आई। आ गई मम्मी। ओके मैम, खिड़की में देखा जा रहा है कुछ प्रेत आत्मा और ये सब आ गई है, तो उसके बारे में क्या कहना? जी हाँ, हमारे घर में, हम एक नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पे एक छोटे बच्चे की प्रेत आत्मा है। अब वो क्या कहना चाह रही है, वो क्या बताना चाह रही है हमें, ये आप शो देखने के बाद हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। जी अभी जो है प्रेत आत्मा हमसे हेल्प मांग रही है, वो मदद मांग रही है कि यहाँ जाओ, वहाँ मेरे दादाजी रहते हैं, उनसे आपको मेरी पूरी कहानी पता चल जाएगी। तो हम अभी जाएंगे उनके दादाजी के यहाँ और पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेत आत्मा को रिलीज कर दे, लेकिन पता नहीं वो प्रेत आत्मा रिलीज होगी कि नहीं। क्या आप भूतों में मानते हो? मानो या शायद ना मानो। ऑफ कोर्स खिड़की एक ऐसा ही शो है जहाँ पर खिड़की ऐसा ही शो है, एक हॉरर कॉमेडी है और जिसमें हॉरर बहुत जेन्यून है और कॉमेडी भी होती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जॉनर, बहुत अलग सोच है। हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस ने ये कॉन्सेप्ट जब कंसीव किया था तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये शो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये एपिसोड करना ही था बिकॉज नंबर वन हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस है, नंबर टू आतिश कपाड़िया जी जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं और मैंने उनके साथ काम करने के लिए पता नहीं कितने सालों से कोशिश की है बट कभी हुआ नहीं, ना उनकी तरफ से ना मेरी तरफ से। बट दिस, अब जब मैं काम कर रही हूँ उनके साथ, आई एम रियली एंजॉइंग इट। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था बिकॉज आतिश जी इज गिफ्टेड, ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड। जब उन्होंने मुझे नरेशन दिया था इस रोल का, आई वॉज फ्लॉड, आई सेड परफेक्ट है। और जब आतिश जी डायरेक्ट कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वो बताते रहते हैं और अगर हम प्रॉपरली अगर फॉलो करें तो बहुत कमाल का कैरेक्टर निकल के आता है। आगे खिड़की मतलब हमारी स्टोरी में ओके खिड़की में तो 5 एपिसोड की कहानी है, पूरे 5 से 6 दिन आप हमारे साथ रहेंगे। पहले तो हम नए घर में आएंगे और उसके बाद क्या होगा, नए नए घर में क्या नए नए एक्सपीरियंसेस आएंगे बच्चों के साथ, मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, ये आप देखिए, लेकिन एक थोड़े से देसी मराठी अंदाज में। खिड़की के व्यूअर्स को यही कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ एंजॉय द शो, एक बहुत अलग जॉनर है, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है और बच के रहना, कहीं आपके बगल में भूत ना हो।